गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज अडल्ट्रेशन. व्हाट इज अडल्ट्रेशन? जब भी हम किसी भी सब्सटेंस में मिलावट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन. टू ऐड समथिंग इम्प्योर इन अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन. उसी के प्रोसेस को आज हम देखने जा रहे हैं कैसे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हनी की, कि हनी में भी आजकल मार्केट में बहुत अडल्ट्रेशन हो रही है. सबसे पहले हम हनी के एक सैंपल को डालते हैं, प्योर सैंपल को, वाटर के अंदर डिजॉल्व करने के लिए. आप देख रहे होंगे कि वो नीचे बैठता जा रहा है और हम इसे डिजॉल्व करेंगे तो ये लेट डिजॉल्व हो रहा है. ये बैठ गया ना नीचे बॉटम के अंदर, सेटल डाउन हो गया, और जब हम इसे डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये लेट डिजॉल्व हो रहा है. वाइल जो अडल्ट्रेट हमारे पास हनी होगा, जब हम इसे डिजॉल्व करेंगे तो ये बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा विद सम रेसिड्यूज इन द बॉटम. मीठा कर देगा पानी को, लेकिन कुछ रेसिड्यूज नीचे रहेंगे. और एक प्योर हनी के अंदर कुछ टाइम के बाद कुछ रेसिड्यू जो है नीचे नहीं रहता. यही हमें एक अडल्ट्रेशन का पता चलता है कि प्योर हनी क्या है. ये हम घर पे भी एक्सपेरिमेंट को जो है परफॉर्म कर सकते हैं. आप देख सकते हो ये नीचे इकट्ठा होने लग गया ना. यस, ये प्योर हनी नहीं है. और अगर हम बात करें ये कुछ टाइम बाद जो डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ रेसिड्यू जो है नीचे नहीं छोड़ रहा. आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया. और जब हम इसे और स्टीर करेंगे तो ये घूम जाएगा और सारा का सारा जो है डिजॉल्व हो जाएगा. यही एक प्रोसेस बता रहे हैं कि अडल्ट्रेशन मिलावट हनी के अंदर कैसे होती है. अब हम बात करते हैं हमारे